नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप किसी को कोई फाइल सेंड करते हैं या फिर कोई वीडियो सेंड करते हैं, उसका साइज 500 MB, 1 GB, 2 GB, 3 GB या 5 GB या 15 GB तक होगा, तो आप उसको कैसे सेंड करेंगे? मोस्टली क्या होता है कि आप गूगल ड्राइव से सेंड कर देते हैं, लेकिन इसके अलावा भी और ऑप्शन आज के टाइम में। मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिसकी सहायता से आप एक दूसरे को फाइल सेंड कर सकते हैं, वो भी बिना कोई इनक्रिप्ट के। जहाँ दोस्तों, कोई फाइल इनक्रिप्ट नहीं होगी, जीरो नॉलेज होगी, यानी मतलब आपकी फाइल एकदम सुरक्षित जाएगी और उसमें क्वालिटी का भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, उस अकॉर्डिंग आप उसको भेज सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें, और यदि आपको इनमें से कोई एक आइडिया पसंद आया हो या एक ऐसी वेबसाइट पसंद आई हो जिसमें आप अपनी फाइल को भेजना चाहते हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उसके रिगार्डिंग मैं एक कंप्लीट रिव्यू वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो पहला ऑप्शन आता है जिसके साथ आप लार्ज फाइल को सेंड कर सकते हैं, वो आता है गूगल ड्राइव। जी हाँ दोस्तों, गूगल ड्राइव की सहायता से ही आप एक दूसरे को फाइल सेंड कर सकते हैं। आप जीमेल का भी यूज़ कर सकते हैं। आप नीचे साइड में देखेंगे एक ऑप्शन होगा, उसमें से आपको फाइल अटैच करनी होगी, तो गूगल ड्राइव की सहायता से आप एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं। आप डायरेक्ट लिंक सेंड करेंगे या जीमेल पे उसको सेंड कर सकते हैं, वहां से वो पर्सन उसको डाउनलोड कर सकता है। एक ऑप्शन तो आता है ये। जो मेरे अकॉर्डिंग नंबर सेकंड पे ऑप्शन आता है, वो आता है वी ट्रांसफर। जी हाँ दोस्तों, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं www.vtransfer.com। इस वेबसाइट की सहायता से आप एक दूसरे को बड़ी फाइल भेज सकते हैं, या कह सकते हैं 2 GB तक की फाइल भेज सकते हैं। यदि आप रजिस्ट्रेशन करते हैं या इनका कोई पैकेज लेते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो उसके अलावा भी आप इस पर और बड़ी फाइल एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं। जस्ट आपको अपनी फाइल अपलोड करनी होती है, गेट लिंक पे क्लिक करना होता है, और उसके बाद वो जनरेट होता है पूरा। जैसे वो कंप्लीट 100% सक्सेसफुल हो जाता है, तो आपको एक लिंक मिलता है, उसको कॉपी करके आप एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं। वो पर्सन वहाँ पे क्लिक करने के बाद उसको डाउनलोड कर सकता है। काफ़ी ईजी स्टेप रहता है ये, और आप इसको अच्छे से कर भी सकते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन की कोई रिक्वायरमेंट रहती, जब तक आप 2 GB की फाइल भेजते हैं तब तक आपको कोई रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और कितने टाइम तक भेज सकते हैं इसकी भी कोई लिमिट नहीं अभी तक। इसके अलावा जो नंबर थर्ड पे ऑप्शन आता है, वो आता है इंस्टा शेयर। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर भी आप एक दूसरे को 2 GB तक फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं बिना रजिस्ट्रेशन के। जैसा वी ट्रांसफर था, सेम एज इट इज इसकी कॉपी मान सकते हैं आप। यदि आप 2 GB से ज़्यादा की फाइल ट्रांसफर करते हैं, तो आप उसको उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा, इसका सब्सक्रिप्शन पैक लेना होगा। ये कुछ इसके एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है कि बिना रजिस्ट्रेशन के आप एक दूसरे को 2 GB तक फाइल भेज सकते हैं। एक टाइम पे 2 GB तक फाइल भेज सकते हैं, उसके अलावा आप दोबारा 2 GB ट्राई कर सकते हैं। आप जैसे 2 GB तक एक ही फाइल बनाएं, उसके अलावा 2 GB की फाइल बनाएं, तो उसको अलग अलग शेयर कर लें, तो आप इसी तरीके से इसको शेयर कर पाएंगे। इसके अलावा जो नंबर फोर्थ पे ऑप्शन आता है, वो आता है पी क्लाउड का। जी हाँ दोस्तों, आप इसकी सहायता से 5 GB तक की फाइल भेज सकते हैं एक दूसरे को। जस्ट आपको उसका ईमेल आईडी बनी होती है, अपनी खुद की ईमेल आईडी बनी होती है, और जो आप फाइल भेज रहे हैं उसका लिंक उसके अंदर जनरेट होता है, उसके मेल पे चला जाता है। इसमें खास बात होती है, उसके मेल पे चला जाता है, वो वहां से डाउनलोड करता है, तो आपके पास मेल भी आता है कि उस पर्सन ने डाउनलोड कर ली। ये इस तरीके से काम करता है, एक दूसरे को मेल भी चला जाता है, आपको पता भी चल जाएगा कि उस पर्सन ने वीडियो डाउनलोड कर ली या आपकी फाइल डाउनलोड कर ली। आप एक दूसरे को 5 GB तक की फाइल भेज सकते हैं। यदि आप इससे ज्यादा की फाइल भेजते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, या इसका सब्सक्रिप्शन पैक होता है, वो आपको लेना पड़ता है। ये इन सभी साइटों में कॉमन चीज है कि आपको ज्यादा बड़ी फाइल भेजनी होगी, तो आपको इसका सब्सक्रिप्शन पैक लेना होगा या रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अंदर पहले ही आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ये सेफ होती है। इसके अंदर आपको इस बात की गारंटी मिलती है कि एक दूसरे को जो फाइल आप भेज रहे हैं, इसके अंदर ये किसी तीसरे पर्सन या कोई तीसरा पर्सन इस फाइल को नहीं देख सकता। जब तक वो जीमेल पे नहीं जाएगा, लॉगिन करके नहीं देखेगा, तो उसके अलावा कोई पर्सन इस फाइल को नहीं देख सकता। ये इस वेबसाइट की खास बात है पी क्लाउड की। मेरे अकॉर्डिंग जो नंबर फिफ्थ पे वेबसाइट आती है, वो आती है ट्रेसो रिट सेंड। जी हाँ दोस्तों, इस वेबसाइट के थ्रू आप 5 GB तक फाइल भेज सकते हैं, लेकिन इसकी खास बात यह है कि आपको एक पासवर्ड सेट करना होता है। जो भी आप फाइल सेंड करेंगे, उसके लिए आप एक पासवर्ड सेट करेंगे, और वही पासवर्ड ये वो पर्सन फिलअप करेगा जो डाउनलोड कर रहा है, उसके बाद ही फाइल ओपन होगी और उसको डाउनलोड कर पाएगा। ये इसकी प्राइवेसी है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी प्राइवेसी है। इसके अंदर किसी प्रकार की आपकी फाइल को कोई डैमेज नहीं होगा, जब तक वो बंदा उस पासवर्ड को ओपन नहीं कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। यदि आप अपनी डाटा को सेफ रखना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि क्वालिटी ना गिरे उस चीज़ की, कोई और पर्सन ना देख पाए, उनका एम्प्लॉय भी ना देख पाए ऑफिस का, तो आप इस वेबसाइट के थ्रू जा सकते हैं। इस वेबसाइट में आप खुद का एक पासवर्ड सेट करेंगे, उसके बाद वो पासवर्ड वो बंदा भरेगा अपने फाइल के अंदर, उसके बाद वो फाइल ओपन होगी, उसके बाद वो डाउनलोड कर पाएगा। ये इसके अंदर सिस्टम होता है, काफ़ी अच्छा सिस्टम है। आप ट्राई भी कर सकते हैं, 5 GB तक की फाइल इसके अंदर आप भेज सकते हैं। इसके अंदर एक और नेगेटिव आता है कि थोड़ा स्लो होता है प्राइवेसी का, आप देख सकते हैं कि इसकी प्राइवेसी काफ़ी अच्छी होती है, तो थोड़ा सेंड में उसका आपको टाइम लग सकता है, या अपलोड करने में थोड़ा इसमें आपको टाइम लग सकता है। मैंने जो पहली
पी क्लाउड आपको बताया था उसके अंदर टाइम नहीं लगता, काफी तेज होती है वेबसाइट, जल्दी से उसके अंदर आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं, उसको सेंड कर सकते हैं। उसकी खास बात होती है पी क्लाउड की। अब आप कहेंगे सर इसमें हम तो 5 GB तक की फाइल भेज सकते हैं, यदि हमको 10 GB की या 11-12 GB तक की फाइल भेजें तो वो कैसे भेजेंगे? इसके लिए एक अलग से वेबसाइट है मेगा IQ। जी हाँ दोस्तों, एक मेगा IQ वेबसाइट है, आप इसके थ्रू 15 GB तक की फाइल भेज सकते हैं एक दूसरे को। ये भी काफी अच्छी वेबसाइट है, इसके अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हैं खुद का पूरा एक फोल्डर सेलेक्ट करके वो उसको सेंड कर सकते हैं, फोल्डर का फोल्डर डाउनलोड कर सकता है। सपोज करें आपको कोई फाइल भेजनी है तो आप पूरे फोल्डर के अंदर वो फाइल भर लें, 15 GB तक का फोल्डर आप बना सकते हैं और उस फोल्डर को पूरे को अपलोड करके वो फोल्डर दूसरे पर्सन को भेज सकते हैं एक लिंक के थ्रू। वो पर्सन उसको ओपन करेगा, उसके बाद पूरा फोल्डर उसके कंप्यूटर में या स्क्रीन पे वो पूरा डाउनलोड हो जाएगा। इस प्रकार से आप 15 GB तक की फाइल भेज सकते हैं मेगा IQ की सहायता से। ये एक बोनस ट्रिक थी, अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि एडवांटेज वाली आपकी ट्रिक थी जो आपको इन फ्यूचर या आज के प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आपको कौन सी वेबसाइट पसंद आई वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और यदि आप कोई वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं तो उसके बारे में क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके रिव्यू के रिगार्डिंग तो मैं उसमें वो पॉइंट कंसीडर कर पाऊँ। क्या पता किसी का अच्छा ही लग जाए वो पॉइंट, क्या पता किसी का भलाई हो जाए उस पॉइंट से। इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है।